हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का अपना टॉपिक है प्रॉन या पैलेनवाल का डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रॉन के सिस्टम हम कर रहे हैं सीरीज में, तो यहाँ आज हम करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रॉन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मेन जो भाग हो गए वो कौन से हो गए, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले हम लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसकी कंप्लीट होती है, कंप्लीट मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इन द एनस, यानी मुख से शुरू होकर के और गुदा तक जो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। और एलिमेंट्री कैनाल को तीन भागों में बांटा जाता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। दूसरा नाम इसका क्या है, स्टोमोडियम, मेसेंट्रोम एंड प्रोक्टोडियम। यहां आप देखें स्टोमो मतलब क्या होता है, माउथ। तो फोरगट जो है उसको स्टोमोडियम कहा है और हाइंडगट जो है उसको प्रोक्टोडियम कहा है, जबकि मिडगट को मेसेंट्रोम कहा है। यहां पर मीजो मतलब मध्य, एंट्रोन मतलब इंटेस्टाइन। तो यहां ये वास्तविक जो इंटेस्टाइन होती है वो अंदर से किससे आश्रित होती है, एंडोडर्म से। तो यहां पर जो मिडगट वाला भाग है ये अंदर से जो है ये अंदर से एंडोडर्म से आश्रित है, जबकि स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम जो है ये अंदर की तरफ से क्यूटिकल से आश्रित है। तो क्यूटिकल से आश्रित है इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है, स्टोमोडियम, और हाइंडगट का दिया है प्रोक्टोडियम, जबकि मिडगट जिसके अंदर केवल इंटेस्टाइन वाला भाग आता है यानी स्टमक के बाद से लेकर के और रेक्टम से पहले तक का जो भाग आता है, तो ये केवल अंदर की तरफ से किससे लाइंड है, एंडोडर्म से लाइंड है। बाकी माउथ से लेकर के स्टमक तक का भाग यानी स्टोमोडियम अंदर से क्यूटिकल से आश्रित है और रेक्टम से लेकर के एनस तक का भाग यानी हाइंडगट अंदर से क्यूटिकल से आश्रित है। इसलिए इसका नाम क्या है, स्टोमोडियम, मेसेंट्रोम एंड प्रोक्टोडियम। ठीक है, अब हम लेते हैं शुरुआत इसके स्टोमोडियम। स्टोमोडियम अभी मैंने बताया इसमें कौन कौन सा भाग आ जाएगा, माउथ आ जाएगा, माउथ के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टमक। हम एक एक करके टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं माउथ। माउथ की पोजीशन कहां पर है, थर्ड जो सेगमेंट है इसका उसके मिड वेंट्रल में एक छिद्र के जैसी संरचना बन जाती है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो जो है इसका माउथ है। कौन से सेगमेंट में, थर्ड में, मिड वेंट्रल में। और इसके बनता कैसे है, ये छिद्र नहीं है, एक स्लिट के जैसी संरचना बनती है। बनती कैसे है, ये माउथ के आगे की तरफ जो है लेब्रम है, माउथ के पीछे की तरफ लेबियम है और माउथ के दोनों साइड में थर्ड जो सेगमेंट में है उसमें हमने क्या बताया था, अपेंडिजेस होता है मैंडिबल। तो साइड में जो है मैंडिबल के इंसीजर वाले प्रोसेस है। मैंडिबल में दो प्रोसेस होते हैं, एक इंसीजर और एक मोलर वाला। तो माउथ के दोनों साइड में क्या है, इंसीजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। तो इस तरह से माउथ कौन से सेगमेंट में है, थर्ड सेगमेंट में, मिड वेंट्रल में एक स्लिट लाइक प्रोसेस बन जाता है जिसके ऊपर की साइड में है लेब्रम, नीचे की साइड में है लेबियम और दोनों साइड में मैंडिबल का जो इंसीजर वाला प्रोसेस है वो है। माउथ के बाद में माउथ किस में ओपन होगा, बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी के अंदर मैंडिबल के ही जो मोलर प्रोसेस है जिनका काम होता है चबाने का, इंसीजर का काम होता है काटने का। तो बक्कल कैविटी के अंदर मैंडिबल के ही कौन से प्रोसेस है, मोलर प्रोसेस है, वो है बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी के अंदर ही जो फोर्थ जो अपेंडिजेस है वो कौन सा है, मैंडिबल के बाद में मैक्सिलियुला, जो टंग की तरह कार्य करता है, जीभ की तरह कार्य करता है। जीभ क्या काम करती है, जो भोजन मुंह में गया तो उसको घुमाने का काम है ना, तो वो काम होता है इसका मैक्सिलियुला का। तो ये हो गया माउथ। माउथ ओपन होगा किसमें, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या है, मैंडिबल का मोलर प्रोसेस है और मैक्सिलियुला है जो टंग की तरह कार्य करेगा। माउथ के बाद बक्कल कैविटी ओपन होती है ईसोफेगस में। ईसोफेगस देखो यहाँ पर वर्टिकल है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये वर्टिकल है, छोटी सी संरचना है, संरचना छोटी सी है लेकिन हाईली मस्क्यूलर है। इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और मस्क्यूलर होती है और क्रमांकुंचन गति इस वाले भाग में होती है, जिसके कारण से जो भोजन इसने पकड़ा है, चबाया है, बक्कल कैविटी में गया है, उसको आगे भेजने का काम ये करेगी। तो ये ईसोफेगस का अगर सेक्शन कट देखते हैं तो इसकी जो वॉल है यहाँ बताई है ये मोटी है,
अंदर की तरफ से क्यूटिकल ही है, क्योंकि स्ट्रोमोडियम और प्रोप्टोडियम में अंदर क्यूटिकल की लाइन है। तो जो क्यूटिकल है, इस क्यूटिकल वाले भाग में चार लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होती हैं। चार लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड में एक मिड डॉर्सल पर, एक मिड वेंट्रल पर और दो लेटरल साइड में, ये चार लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं। इनमें से मिड डॉर्सल वाली जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है ये थोड़ी छोटी है, किसके कंपेयर में, ये दो लेटरल और एक वेंट्रल के कंपेयर में। और ये जो फोल्ड है जो क्यूटिकल से बनी है, फोल्ड से, इसके ऊपर ब्रिसल्स है, ये रेशे जैसी संरचनाएं हैं। तो इन रेशे जैसी संरचनाओं के ये लगातार क्या है, मूवमेंट करते हैं, जिससे भोजन को आगे की तरफ गति मिलती है। यानी ये इसोफेगस से किस तरफ जाएगा, कार्डियक स्टमक की तरफ जाएगा, पैस्टर्टिक मूवमेंट भी हो रही है, साथ साथ में जो है ये ब्रिसल्स मूव कर रहे हैं, जिससे भोजन जो है इसोफेगस से कहां पहुंचा दिया जाता है, कार्डियक स्टमक में। कार्डियक स्टमक की जो भित्ति होती है ये पतली होती है, अंदर ये भी किससे आश्रित है, क्यूटिकल से आश्रित है, इसकी भित्ति पतली होती है। और ये हम पहले ले, पूरा स्टमक है, ये दो भागों में बटा हुआ है। इसका जो बड़ा भाग है, जो सिफेलोथोरिक्स का ज्यादातर एरिया कवर कर रहा है, वो है कार्डियक स्टमक। और पायरोलिक स्टमक इसका छोटा भाग है, पश्च भाग छोटा भाग है, वो पायरोलिक स्टमक है। कार्डियक स्टमक जो है इसकी भित्ति पतली होती है, और इसका मुख्य काम होता है, जो भोजन को पचाने वाला काम है, वो कार्डियक स्टमक के अंदर होता है। कार्डियक स्टमक के अंदर भी जैसे मैंने बताया क्यूटिकल की लाइन है, तो यहाँ जो क्यूटिकल की लाइन है वो क्यूटिकल जगह जगह पर फोल्ड होकर के कुछ प्लेट जैसी संरचनाएं बना लेता है। तो यहाँ हम कार्डियक स्टमक का सेक्शन कटिंग देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो ये इसकी कार्डियक स्टमक की सेक्शन कटिंग है। ये यहाँ पर इसोफेगस की ओपनिंग बताई है। इस इसोफेगस की ओपनिंग के जस्ट आगे, जैसे यहाँ इसोफेगस ओपन होगा, तो इसके जस्ट यहाँ पर जो प्लेट है वो है सर्कुलर प्लेट। क्या है? सर्कुलर प्लेट, यानी क्यूटिकल वाला भाग ही जो है वो सर्कुलर प्लेट बनाता है इसोफेगस ओपनिंग के जस्ट आगे की तरफ। छत वाले भाग पर, कार्डियक स्टमक का जो छत वाला भाग है, इस छत वाले भाग में दोनों साइड में बनाता है लैंसिलेट प्लेट। ये आधी इस वाले भाग में दिख रही है, आधी इस वाले भाग में दिख रही है, छत वाले भाग पर है लैंसिलेट प्लेट। और अधर वाला जो भाग है, ये वेंट्रल वाला जो पार्ट है, इस वेंट्रल वाले पार्ट पर जो है एक बड़ी हस्याकार प्लेट पाई जाती है। यहाँ आप देख लो डायग्राम में, ये हस्याकार प्लेट है बड़ी साइज की, ये प्लेट कहलाती है हेस्टेट प्लेट। ये क्या है? हेस्टेट प्लेट। तो ये अधर वाले भाग में है, जैसे ये अधर वाला भाग है नीचे का, तो इस तरह से इसमें ये जो वेंट्रल पार्ट है इसमें भी ऐसे फोल्ड हो जाता है, फोल्ड होकर ऐसे ये शेप बना ली इसने। तो इस शेप में क्या हुआ, मिड, मध्य में उभार है, तो ये हो गया मिड रिज, और दोनों तरफ क्या है, स्लोप है, इस साइड भी स्लोप है और इस साइड भी स्लोप है। तो ये मिड रिज वाला भाग है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो फर्श है उस फर्श में ऐसे उभार हो गया, तो ये मिड रिज हो गई और दोनों साइड में स्लोप है। ये जहां पर स्लोप है, ये जो स्लोप है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इसके जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है, और वहां बनती है सपोर्टिंग रॉड। यहाँ दोनों किनारे जो है, इस हेस्टेड प्लेट के दोनों साइड वाले जो किनारे हैं, यहाँ पर सपोर्टिंग रॉड है जो इसको सपोर्ट कर रही है ना। ये जो सपोर्टिंग रॉड है, इसके दोनों तरफ जो है ग्रूव्ड प्लेट पाई जाती है, ग्रूव यानी खांच है, और वहां दोनों तरफ ग्रूव्ड प्लेट है। तो ये सपोर्टिंग रॉड हो गई, सपोर्टिंग रॉड के दोनों साइड, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों साइड शो कर रही है ग्रूव्ड प्लेट है। जहां भी प्लेट आ रही है मतलब वो क्यूटिकल से बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर है। सपोर्टिंग रॉड के दोनों साइड में क्या है, ग्रूव्ड प्लेट है। ग्रूव्ड प्लेट जो है उसके ऊपर की तरफ कॉम्ब्ड प्लेट है। कॉम्ब क्या होता है, कंघा। तो कंघे में जिस तरह से क्या होते हैं, वो दांत निकले रहते हैं, तो उस तरह से ये ग्रूव्ड प्लेट के ऊपर की तरफ क्या है, दोनों साइड में कॉम्ब्ड प्लेट है, और इस कॉम्ब्ड प्लेट में ये ब्रिसल्स निकले हुए हैं। ये ब्रिसल्स भी लगातार मूव करते रहते हैं, जीवित जो प्रॉन होता है इसमें लगातार मूव करते रहते हैं। और जो भोजन एक बार स्टमक में आ गया है, तो उस भोजन को जो है मिक्स करने का काम है, और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम है, वो इनकी सहायता से होता रहता है। कॉम्ब्ड प्लेट, ये जो कॉम्ब्ड प्लेट है, ये आगे की तरफ दोनों कंबाइंड है, जुड़ी भी दिख रही है,
लेकिन पीछे की तरफ ये दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है, थोड़ा गैप है इन कॉम्ब्ड प्लेट में। तो यहां हो गया हेस्टेड प्लेट जो फर्श वाले भाग पर है, फर्श वाले भाग में नीचे से उभार है तो ये मिड रिज हो गई। मिड रिज के बाद में दोनों तरफ स्लोप है, तो स्लोप वाले किनारे पर क्या है, सपोर्टिंग रॉड है। किनारे पर जो सपोर्टिंग रॉड है उसके दोनों तरफ खांच है, तो वो क्या हो गई, ग्रूट प्लेट हो गई। ग्रूट प्लेट के ऊपर की तरफ क्या है, कॉम्ब्ड प्लेट है दोनों साइड में, ठीक है। और कॉम्ब्ड प्लेट में जो है ये ब्रिसल्स लगे हुए हैं। अब जो आगे की तरफ ये दोनों कॉम्ब्ड प्लेट जुड़ी हुई है, पर पीछे की तरफ इसमें थोड़ा सा स्पेस है। हेस्टेड प्लेट का जो पश्च वाला भाग है, जैसे ये मान लो हमने हेस्टेड प्लेट बनाई, पश्च वाला भाग थोड़ा नीचे दबा हुआ है, ये ऐसे दबा हुआ है नीचे की तरफ, तो ये पश्च वाला भाग थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है। और अब यहां देखो हेस्टेड प्लेट के दोनों साइड में जो लेटरल जो ये भित्ति है, लेटरल वॉल जो है, ये लेटरल वॉल थोड़ी सी फोल्ड होकर के यहां बनाती है गाइडिंग रिज। क्या बना रही है ये, गाइडिंग रिज। तो ये बाहर की तरफ ये दो है गाइडिंग रिज, हेस्टेड प्लेट के भी दोनों साइड में, लेटरल साइड में है ना, ये गाइडिंग रिज है। इस तरह से अपने आप ही यहां पर हेस्टेड प्लेट के पीछे वाले भाग में यहां पर जो ओपनिंग है, वो ओपनिंग किसकी है, कार्डियक स्टमक इसमें ओपन होगा, पायलोरिक स्टमक में। तो ये ओपनिंग क्या है, कार्डियो पायलोरिक अपर्चर, कार्डियक स्टमक पायलोरिक में ओपन होगा, कार्डियो पायलोरिक अपर्चर। और ये जो अपर्चर है इसमें अपने आप ही एक्स के आकार का जो है शेप बन रही है। और यहां पर वल्व्स है, वो वल्व्स कौन से हो गए, चार। एंटीरियर साइड में वो वल्व किसके द्वारा बन रहा है, हेस्टेड प्लेट का जो पीछे की तरफ दबा हुआ भाग है वो बना रहा है। पोस्टीरियर साइड में वल्व कौन बना रहा है, खुद स्टमक की जो वॉल है, वो वॉल जो है पोस्टीरियर वल्व बना रही है। और लेटरल साइड में यहां आप देख रहे हो, लेटरल साइड में जो वल्व है वो किसके द्वारा बन रहा है, ये जो गाइडिंग रिज है, इस गाइडिंग रिज से लेटरल साइड में वल्व बन रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्डियो पायलोरिक अपर्चर जो है, इट इज गार्डेड बाय फोर वल्व्स। एक वल्व एंटीरियर साइड में है जो हेस्टेड प्लेट का पश्च भाग बना रहा है, एक वल्व पोस्टीरियर साइड में है जो खुद जो स्टमक है इसकी वॉल ऊपर होकर के वल्व बना रही है, और दो लेटरल साइड में है जो ये गाइडिंग रिज का ये वाला जो भाग है ये वो वल्व बना रही है। तो कार्डियो पायलोरिक अपर्चर इज गार्डेड बाय फोर वल्व्स। ये हो गया किसकी स्ट्रक्चर, ये हो गया कार्डियक स्टमक का स्ट्रक्चर। और कार्डियक स्टमक में मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो किसमें होता है, कार्डियक स्टमक में होता है। अब हम आते हैं, कार्डियक स्टमक ओपन होता है पीछे की तरफ पायलोरिक स्टमक में, पायलोरिक स्टमक इसका छोटा सा पार्ट है। पायलोरिक स्टमक भी अंदर से क्यूटिकल द्वारा स्थित है। यहाँ ये पायलोरिक स्टमक जो है, यहाँ आप ये जो दो छेद देख रहे हो, ये दो छेद किसके हैं, हिपेटोपैंक्रियास डक्ट जो है वो इन दो छेदों के द्वारा इसमें ओपन हो रही है। हिपेटोपैंक्रियास जो ग्लैंड है वो इन दो छिद्रों के द्वारा यहाँ पर ओपन हो रही है पायलोरिक स्टमक में। पायलोरिक स्टमक की सेक्शन कटिंग हम करते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक डंबल शेप की संरचना बना रहा है। डंबल शेप की संरचना में डॉर्सल साइड हो गया ये, और ये हो गया वेंट्रल साइड। ये यहां तक का ऊपर का डॉर्सल साइड और ये नीचे का वेंट्रल साइड। अब यहां देखो आप, वेंट्रल साइड में वापस से वेंट्रल साइड में नीचे से उभार है, तो उभार होने से यहां पर भी दो फोल्ड बन गए वेंट्रल साइड में भी। तो इस तरह से पायलोरिक स्टमक जो है उसके भी दो हिस्से हैं, एक तो डॉर्सल चैम्बर है और एक वेंट्रल चैम्बर है। वेंट्रल चैम्बर में भी फर्श वाले भाग में उभार होने के कारण यहां पर जो है दो फोल्ड्स बन रही हैं। डॉर्सल चैम्बर और वेंट्रल चैम्बर आपस में एक वर्टिकल चैनल के द्वारा कनेक्टेड हैं। जो वेंट्रल चैम्बर है, इस वेंट्रल चैम्बर में कई रेक्टेंगुलर शेप के क्या है, पायलोरिक फिल्टर प्लेट्स है। नाम से ही पता चल रहा है, फिल्टर यानी छानने का काम करना। तो इसकी संरचना कैसी है, यहां दिखा रखी है, जैसे ये रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी संरचना है और इसमें रिजेस एंड ग्रूव्स, यानी खांच है फिर उभार है, फिर खांच है फिर उभार है, और हर खांच और उभार में बीच में क्या है, ब्रिसल्स हैं। तो ये असंख्य पायलोरिक फिल्टर प्लेट्स हैं दोनों साइड में। तो इनका काम क्या समझ में आ रहा है, छानने का काम, यानी भोजन जो बिल्कुल तरल पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा
तो वो जो है वो यहां से छन करके जाएगा हिपेटोपेंक्रियास में, और फिर हिपेटोपेंक्रियास में जो पचा हुआ भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन के लिए वो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पायरोरिक फिल्टर प्लेट्स जो दोनों साइड में है, और ये ओपनिंग दिखा रखी है, ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेंक्रियास। डॉर्सल चैम्बर ओपन होता है, यहाँ डॉर्सल चैम्बर ओपन होगा फिर किसमें, मिडगट वाले भाग में, ये डॉर्सल चैम्बर मिडगट वाले भाग में ओपन होगा। यहाँ ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग में भी तीन समूहों में शूक है, और वो जो शूक है तीन समूहों में है, एक डॉर्सल साइड में हो जाएगा, एक वेंट्रल साइड में हो जाएगा और एक लेटरल साइड में हो जाएगा। तो ये जो शूक है ये भी भोजन को एक डायरेक्शन में फ्लो करने देंगे, यानी डॉर्सल चैम्बर से एक बार मिडगट में भोजन गया तो वापस मिडगट से डॉर्सल चैम्बर में नहीं आएगा। तो डॉर्सल चैम्बर किसमें ओपन होता है, मिडगट में ओपन होता है। इस तरह से हमने यहां तक का यानी माउथ से लेकर के स्टमक तक का यानी स्टोमोडियम की संरचना का अध्ययन किया। अब हम लेते हैं मेसेंट्रॉन। मेसेंट्रॉन में मुख्य कौन सा भाग आता है, मिडगट वाला भाग आता है। एंड्रॉन मतलब इट इज लाइंड बाय एंडोडर्म। ये पतली है, नलिकाकार संरचना है, इसकी जो गुहा है ये भी संकरी होती है, और इसमें मुख्य रूप से भोजन का केवल क्या हो रहा है, पैसेज हो रहा है, और कुछ अमाउंट में जो भोजन एब्जॉर्ब होना रह गया पचित भोजन उसका कुछ मात्रा में इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। ये लंबी संरचना है जो कहां से, यहां सिफेलोथोरिक्स वाला भाग खत्म हो गया तो यहां से लेकर के ये सिक्स्थ सेगमेंट तक जाती है, तो ये यहां से लेकर के छठे खंड तक, एब्डोमिनल खंड तक ये जो है जाएगी। आप देख रहे हो यहां पर ये कैसी है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसका फंक्शन क्या है, जो भोजन अपचित भोजन है वो भोजन जो है वो यहां से पायरोरिक स्टमक से कहां तक लेकर आना, रेक्टम वाले भाग में लाना, और उसमें कुछ एब्जॉर्ब करने योग्य अगर चीज है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये हो गया मिडगट जो छठे खंड तक जाएगी। मिडगट के बाद में क्या आएगा, हाइंडगट। हाइंडगट में मैंने क्या बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोक्टोडियम, और इसमें दो भाग होंगे, रेक्टम। रेक्टम जो है इसकी भित्ति मोटी होती है और इसमें कुछ समय के लिए अपचित भोजन जो है वो रहता है, और इसमें जो है लिक्विड पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और टाइम टाइम पर एनस के द्वारा जो है विष्ठा को बाहर निकाला जाता है। एनस कहां उपस्थित होती है, टेल्सन के मध्य अधर वाले भाग में, ये टेल्सन है ना, जो लास्ट का स्पाइन शेप का पॉइंटेड टेल्सन वाला पार्ट है, इसके मिड वेंट्रल में एनस है। तो ये हो गया इसकी एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन। अब हम लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें एक मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड है हिपेटोपेंक्रियास। ये कहां है, यहां आप डायग्राम में देखो, सिफेलोथोरिक्स वाले भाग में। पायरोरिक स्टमक को तो इसने पूरा घेर रखा है, कार्डियक स्टमक को नीचे से घेर रखा है, और कुछ मात्रा में मिडगट को भी घेर रखा है चारों तरफ से, केवल डॉर्सल साइड पे ये नहीं है, और यहां कुछ डॉर्सल बाकी पूरा यहाँ वेंट्रल और साइड से। तो ये जो है हिपेटोपेंक्रियास, एज द नेम इंडिकेट्स, हिपेटो मतलब लीवर और पेंक्रियास, यानी ये लीवर और पेंक्रिया दोनों का काम करेगी। उसके साथ साथ में ये हायर कॉर्डेट्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करना, तो वो काम भी हिपेटोपेंक्रियास के द्वारा किया जाता है। हिपेटोपेंक्रिया ऑरेंज कलर की या येलो कलर की ग्लैंड होती है, बाई लोब्ड ग्लैंड होती है, दो लोब है, तो दोनों लोब से जो डक्ट निकलती है वो ओपन होती है कहां पर, जैसे यहां बताया था पायलोरिक स्टमक में वेंट्रल चैम्बर में, पायलोरिक स्टमक में वेंट्रल चैम्बर में ये ओपन होती है। यहां से मैं हटा देती हूँ, ये कंफ्यूज करेगा आपको, यहां पर किसमें ओपन होती है, वेंट्रल चैम्बर में ओपन होती है। अब हम लिखते हैं, प्रश्न आता है कई बार कि हिपेटोपेंक्रिया का फंक्शन क्या है, इसमें हिपेटोपेंक्रिया लीवर का काम कैसे कर रही है। तो लीवर हमारा क्या करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड को ग्लाइकोजन के रूप में, वसा के रूप में संचित करता है। तो यहां पर भी ये एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड को ग्लाइकोजन के रूप में और वसा के रूप में स्टोर कर रहा है, और कैल्शियम को भी स्टोर कर रहा है। तो ये हो गया इसका लीवर का फंक्शन। पेंक्रियास का क्या फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उस एंजाइम के उस डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसमें तीनों प्रकार का भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, यानी अमाइलेज,
लाइपेस और प्रोटीएस, तो तीनों को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, तो ये एंजाइम्स सीक्रेट कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य कैसे कर रहा है, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करके। तो इस तरह से प्रॉन के अंदर जो हिपेटोपैनक्रिया है, इट वर्क्स एज ए लीवर, इट वर्क्स एज ए पैनक्रियास एंड इट वर्क्स एज ए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तीनों हम अलग अलग करके इसका फंक्शन हम इसमें बता देंगे। और ये बाई लोब्ड संरचना है, कहां उपस्थित है बताया आपको, हिपेटोपैनक्रियास कहां है, जो ये थॉरिक्स वाला जो भाग है इसमें वेंट्रल भाग में तो पूरा ये कवर कर रखा है इसके स्टमक को, कार्डियक स्टमक को, पाइलोरिक स्टमक को और मिडगट को, और थोड़ा सा डॉर्सल वाला भाग कार्डियक का फ्री है, बाकी पीछे का डॉर्सल भाग भी और मिडगट में भी डॉर्सल भाग भी पूरा कवर कर रखा है हिपेटोपैनक्रियास में। कलर कैसा होता है इसका, ऑरेंज या येलो कलर का होता है। ये हो गया हिपेटोपैनक्रियास के बारे में। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसका फूड एंड फीडिंग, यानी ये भोजन क्या करता है। ये सर्वाहारी है, ओमनिवोरस है, यानी समुद्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं छोटे वो, या जैसे एल्गी है, डायटम्स है, या छोटे इंसेक्ट हैं, या छोटी फिशेस हैं, तो उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है, सर्वाहारी है। पकड़ता किस तरह से है, इसमें जो चिलेट लेग्स होती है थॉरेक्स वाले भाग में जो वॉकिंग लेग्स है, उसमें फर्स्ट टू लेग्स क्या है, चिलेट लेग्स है। तो चिलेट यानी चिमटी के जैसी संरचना, तो उसमें फर्स्ट वाला जो चिलेट लेग होता है उसमें जो चिमटी होती है उसकी तरह, उसकी सहायता से ये किसी जीव को पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद में उससे पहले जो सेकंड मैक्सिलिपीड है, जो सेकंड मैक्सिलिपीड है उसकी सहायता से उसको पकड़ करके ये कहां लेकर आते हैं, माउथ वाले भाग तक लेकर आते हैं। और माउथ वाले भाग पर लाने के बाद में जो इसका थर्ड मैक्सिलिपीड है उसकी सहायता से वो उसको पकड़कर रखता है माउथ के आगे। जैसे हम कोई चीज पकड़ते हैं तो मुंह के आगे ले आएंगे और यहाँ उतरने का काम होगा, ठीक है। तो चिलेट लेग की सहायता से, फर्स्ट चिलेट लेग की सहायता से इसने जीव को पकड़ा, या पेड़ पौधा भी अगर ले रहा है, उसका कोई पार्ट ले रहा है तो उसको पकड़ा, पकड़ करके उसको सेकेंड मैक्सिलिपीड की सहायता से वो जो है माउथ के पास तक लाएगा, थर्ड मैक्सिलिपीड का कॉक्सा वाला भाग उसको पकड़कर रखेगा और वो लेकर आ गया माउथ के आगे वाले भाग में। माउथ के आगे वाले भाग में दोनों साइड में क्या है, इंसीजर प्रोसेस है मैंडिबल का, तो इंसीजर प्रोसेस से उसको काटा जाता है, भोजन जो भी लाया है वो उसको काटेगा। काटने के बाद में वो कहां चला जाएगा, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में इसके कौन से भाग हैं, कौन सा प्रोसेस है, मैंडिबल का मोलर प्रोसेस, तो मोलर प्रोसेस उसको चबाने का काम करेगा। और बकल कैविटी में क्या है, मैंडिबल के बाद में क्या आता है, मैक्सिल्यूला, जो जीभ की तरह कार्य करता है, पत्ती के जैसी संरचना होती है उसमें तीनों ही चपटी लीफ लाइक, तो वो जीभ का काम करेगा, यानी उस जो चबा रहा है भोजन, तो उसको चबाने के बाद में उसको जो है मिक्स करने का, घुमाने का काम होगा। उसके बाद में भोजन आ जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या बताया था, भित्ति मोटी होती है, पेशी होती है, क्रमाकुंचन गति होगी, और क्रमाकुंचन गति और ये पेरिस्टाल्टिक ये जो ब्रिसल्स है, इस ब्रिसल्स की सहायता से भोजन पहुंचा दिया जाता है कार्डियक स्टमक में। अब कार्डियक स्टमक में मुख्य रूप से भोजन का पाचन होना है, पाचन होना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सीक्रेट करेगा, हिपेटोपैनक्रियास। तो जैसे ही भोजन कार्डियक स्टमक में आता है उसी टाइम पर हिपेटोपैनक्रियास से जो जूस है वो पहुंचा दिया जाता है कार्डियक स्टमक में। वो वेंट्रल चैम्बर में आया, वेंट्रल चैम्बर से कहां पर आ गया, डॉर्सल से होता हुआ जो है कार्डियक स्टमक में आ गया। तो कार्डियक स्टमक में आने के बाद में एंजाइम्स आ गए। अब यहां पर भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, यहां भोजन का पाचन होगा। और यहां जो इतनी सारी प्लेट्स हैं, सर्कुलर प्लेट है, लैंसेलेट प्लेट जो डॉर्सल साइड में है, हेस्टेड प्लेट जो वेंट्रल साइड में है, हेस्टेड प्लेट में भी ये जो ग्रूट प्लेट्स है, और ये जो कॉम्ब प्लेट है जिसमें ब्रिसल्स है, और जो गाइडिंग रिजेस है, इन सब की सहायता से, इन सब की सहायता से भोजन जैसे जैसे आगे पास होता है वैसे वैसे भोजन को और छोटे टुकड़ों में, और छोटे टुकड़ों में यानी पूरी तरह से सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सेमी लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में वो ये जो कार्डियोपायलोरिक अपर्चर है, इस अपर्चर की सहायता से कहां पहुंच जाता है, पायलोरिक स्टमक में। पायलोरिक स्टमक में जब भोजन आ गया, यहां हो गया भोजन का पचाने का काम। पायलोरिक स्टमक में जब भोजन आ गया तो वो जो है पहले कहां पर आएगा, वेंट्रल चैम्बर में।
कहां पाया जाएगा? वेंट्रल चैम्बर में। अब वेंट्रल चैम्बर के अंदर क्या बताया था, नीचे की तरफ फर्श वाले भाग में उभार है जिससे इसके भी दो भाग बन रहे हैं और यहां पर असंख्य क्या है फिल्टर प्लेट्स हैं। तो इन फिल्टर प्लेट्स में से और फिल्टर होकर के और फिल्टर हो जाता है भोजन और फिल्टर होकर के ये भोजन पहुंचा दिया जाता है वापस कहां पर, हिपेटोपैनक्रियाज में। और हिपेटोपैनक्रियाज अब जो भोजन आया है पचने के बाद में उस पचे हुए भोजन में से क्या करेगी, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड है वो भी यहां पर स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम को भी ये स्टोर कर लेगी। तो इस तरह से ये भोजन कहां पहुंचा पचने के बाद में, यहां पचाया, पचाने के बाद में पाइरोलिक स्टमक में आया, फिर इस फिल्टर प्लेट्स के द्वारा और अच्छी तरह से फिल्टर होकर के ये वापस कहां पहुंचाया जाता है, हिपेटोपैनक्रियाज में पहुंचा दिया गया। हिपेटोपैनक्रियाज में भोजन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन, और जो भोजन पचा नहीं है वो भोजन जो है वो सीधा कहां पहुंचा दिया जाता है, डॉर्सल चैम्बर में, वो इसमें नहीं जाएगा, वो हिपेटोपैनक्रियाज में नहीं जाएगा। जो बड़े कण अगर कुछ रह गए हैं या पचे नहीं है तो वो किसमें पहुंचा दिए जाएंगे, डॉर्सल चैम्बर में, और डॉर्सल चैम्बर से वो भोजन कहां पहुंचा दिया जाएगा, मिडगट वाले भाग में। जो मिडगट वाले भाग में भोजन पहुंचाया गया है अपचित भोजन, उसमें से अगर कोई एब्जॉर्ब करने लायक चीज है तो उसे मिडगट एब्जॉर्ब कर लेती है, अन्यथा उसे कहां पहुंचा दिया जाता है, रेक्टम में। अब रेक्टम में ज्यादातर मात्रा में उसमें जो जल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस तरह से सेमी सॉलिड जो है विष्ठा बनती है जो एनस के द्वारा समय समय पर बाहर त्याग दी जाती है। तो इसके साथ हमने इसका फूड एंड फीडिंग बता दिया, इसके साथ ही हमने इसका डाइजेशन बता दिया, एब्जॉर्प्शन बता दिया। डाइजेशन तो मुख्य किसमें होगा, कार्डियक स्टमक में, एब्जॉर्प्शन मुख्य किसमें होगा, हिपेटोपैनक्रियाज में, और इजेक्शन जो है ये मिडगट के द्वारा, रेक्टम के द्वारा आकर के एनस के द्वारा बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो है प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बड़ा प्रश्न आता है तो हमें ये सारे डायग्राम और ये सारा एक्सप्लेन करना है, और इसमें से छोटे छोटे प्रश्न तो बहुत सारे निकलते हैं, जैसे केवल डायग्राम ही आ जाएगा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का, या केवल हेस्टेड प्लेट के बारे में भी प्रश्न आ जाता है, या आपके प्रैक्टिकल में भी है हेस्टेड प्लेट, केवल हेस्टेड प्लेट के बारे में भी प्रश्न आ सकता है, या जो है ये जो पाइरोलिक स्टमक है तो इसके बारे में प्रश्न आ सकता है, केवल हिपेटोपैनक्रियाज के बारे में जो है क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो नाम दिए गए हैं ये आपसे वाइवा के टाइम पर पूछे जा सकते हैं, या ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें केवल जो मेसेंट्रॉन है ये अंदर से किससे लाइंड है, एंडोडर्म से लाइंड है, बाकी जो स्टोमोडियम है और जो प्रोक्टोडियम है ये अंदर से किससे लाइंड है, क्यूटिकल से लाइंड है, ठीक है। माउथ कौन से चैम्बर में, माउथ कौन से सेगमेंट में है, थर्ड सेगमेंट में, मिड वेंट्रल में, बना है अपने आप ही, अपने आप कैसे, कोई छेद वेद नहीं है, आगे की तरफ लेब्रम हो गया, पीछे की तरफ लेबियम होगा, दोनों साइड में जो मैंडिबल का इंसिजन प्रोसेस है वो है, और वो जो स्लिट बन गई है वो माउथ है, ठीक है। बकल कैविटी में क्या बताया, बकल कैविटी में मैंडिबल का मोलर प्रोसेस है और बकल कैविटी में ही मैक्सिलुला है जो टंग का कार्य करेगा। तो इस तरह से मैं समझती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसे ध्यान से सुने और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, और कोई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।